आपका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको विराट पर्व के जो विराट पे जो आक्रमण हुआ उसके बारे में और भीष्म और अर्जुन को जो युद्ध हुआ उसके बारे में खास करके बताएंगे। अभी कीचक वध का जो समाचार था वो सब जगह आग की तरह फैल गया था। कीचक कोई साधारण योद्धा नहीं था। कीचक वध का समाचार दुर्योधन ने भी सुना और अनुमान लगा लिया कि सरेंद्रुही नामक दासी द्रौपदी तथा उसके गंधर्वपति पांडव ही हैं। पर तब तक पांडवों की अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी थी। अवित्रिगत्र देश का राजा कीचक से कई बार अपमानित हो चुका था। कीचक के मृत्यु का समाचार सुनकर उसके मन में विराट से बदला लेने की बात सूझी। सुशर्मा दुर्योधन का मित्र था। उसने दुर्योधन को सलाह दी कि यदि विराट की गायें ले आई जाएं, तो युद्ध के समय दूध की आवश्यकता पूरी हो जाएगी। आप लोग तैयार रहें, मैं विराट पर आक्रमण करने जा रहा हूं। उसके जाते हैं दुर्योधन ने भी भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य कर्ण अश्वत्थामा आदि के साथ विराट पर आक्रमण की बात पूरी प्लान कर लेता है। महाराज विराट भी कीचक को याद करके रोने लगते हैं, पर कंग जो युधिष्ठिर होते हैं उन्हें धैर्य बंधाते हैं। सुशर्मा ने बात ही बात में विराट को बांध लिया, पर इसी समय कंग ने भीम को ललकारा जो बल्लभ थे। बल्लभ ने सुशर्मा को बांध कंग के सामने उपस्थित कर दिया और विराट के बंधन खोल दिए। अब इसी समय कौरवों को आक्रमण की सूचना मिलती है। जब कौरव आक्रमण कर चुके होते हैं तो कौरवों के आक्रमण की सूचना इन्हें मिलती है। इधर दुर्योधन जो भीष्म से पूछते हैं कि अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है या नहीं। भीष्म बताते हैं कि एक हिसाब से तो यह अवधि पूरी हो चुकी है, पर दूसरे हिसाब से भी कुछ दिन शेष है। इधर विराट भयभीत हो चुके थे, पर भृणाला जो होती है, जो अर्जुन होती है, उसके कहने पर उत्तर कुमार युद्ध को तैयार हो जाते हैं। अभी बोलते कि युद्ध कैसे होगा, तो वहां पे युधिष्ठिर कहते हैं कि आप इन्हें जाने दीजिए भृणाला के साथ, जो उत्तर है वो विजयी होकर लौटेंगे। अभी रथ के ऊपर सवार होकर ये युद्ध के लिए चले जाते हैं भृणाला और उत्तर। वहां जाकर युवराज की हालत खराब हो जाती है कि सामने तो विशाल कौरव सेना थी। अब वहां पर भृणाला अपना असली परिचय देते हैं और शमी के वृक्ष से अपना गांडीव तथा अक्षय तुनीर उतार लाते हैं और उसके बाद तो भयंकर संग्राम होता है। कर्ण के पुत्र मारे जाते हैं, कर्ण को घायल कर देते हैं अर्जुन। द्रोणाचार्य भीष्म के धनुष काट देते हैं तथा सम्मोहन अस्त्र द्वारा कौरव सेना को मूर्छित कर देते हैं। युद्ध के बाद विराट को पांडवों का परिचय प्राप्त होता है तथा अर्जुन से अपनी पुत्री उत्तरा का विवाह का प्रस्ताव भी करते हैं। तो यह पूरा संक्षेप में मैं आपको बताया, पर एक्चुअल में जो होता है, जब चढ़ाई होती है और जब युद्ध शुरू होता है, तो उसमें जो मेन युद्ध होता है वो भीष्म पितामह और अर्जुन का होता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा आपको डिटेल में बताना चाहेंगे। कर्ण पर विजय पाने के अनंतर अर्जुन ने उत्तर से कहा, जहां रथ की ध्वजा में सुवर्णमय ताड़का चिन्ह दिखाई दे रहा है उसी सेना के पास मुझे ले चलो। वहां मेरे पितामह भीष्म जी हैं जो देखने में देवता के समान जान पड़ते हैं, रथ में विराजमान और मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। उत्तर का विषय वानों से थोड़ा सा घायल हो चुका था, तो अर्जुन से कहते हैं कि वीरवर, अब मैं आपके घोड़ों को काबू में नहीं रख सकता, मेरी प्राण संतप्त है, मन घबरा रहा है। आज तक किसी भी युद्ध में मैंने इतने शूरवीरों का समागम नहीं देखा है। आपके साथ जब इन लोगों का युद्ध देखता हूं तो मेरा मन डवाडोल हो जाता है। गदाओं के टकराने का शब्द, शंखों की ऊंची ध्वनि, वीरों का सिहनाद,
हाथियों की चिक्काड़ तथा बिजली की गड़गड़ाहट के समान गांडे की टंकार सुनते सुनते मेरे कान बहरे हो रहे हैं, स्मरण शक्ति छिन्न हो रही है। अब मुझ में चाबुक और बागडोर संभालने की शक्ति नहीं रह गई है। तो अर्जुन कहते हैं कि नरश्रेष्ठ धैर्य रखो, डरो मत, तुमने भी युद्ध में बड़े अद्भुत पराक्रम दिखाए हैं, तुम राजा के पुत्र हो, शत्रुओं को दमन करने वाले मत्स्य नरेश के विख्यात वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए इस अवसर पर तुम्हें उत्साहहीन नहीं होना चाहिए। राजपुत्र भली भांति धीरज रखकर रथ पर बैठो और युद्ध के समय घोड़ों पर नियंत्रण रखो। अच्छा, अब तुम मुझे भीष्म जी की सेना के सामने ले चलो और देखो कि मैं किस प्रकार दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करता हूं। आज सारी सेना को तुम चक्र की भांति घूमते हुए देखोगे। मैं तुम्हें वाहन चलाने की और अन्य शस्त्रों के संचालन की भी अपनी योग्यता दिखाऊंगा। मैंने मुट्ठी को धुंढ रखना इंद्र से, हाथों की फुर्ती ब्रह्मा जी से तथा संकट के अवसर पर विचित्र प्रकार से युद्ध करने की कला प्रजापति से सीखी है। इसी प्रकार रुद्र से रौद्रास्त्र, वरुण से वरुणास्त्र, अग्नि से आग्नेयास्त्र की और वायु से वाव्यास्त्र की शिक्षा प्राप्त की है। अतः तुम भय मत करो, मैं अकेले ही कौरव रूपी वन को उजाड़ डालूंगा। इस प्रकार अर्जुन ने जब धीरज बंधाया तब उत्तर उसके रथ को भीष्म जी के द्वारा सुरक्षित रथ सेना के पास ले आया। कौरवों पर विजय पाने की इच्छा से अर्जुन को अपनी ओर आते देख निष्ठुर पराक्रम दिखाने वाले गंगा नंदन भीष्म धीरतापूर्वक उसकी गति रोक दी। तब अर्जुन ने वान मारकर भीष्म जी की रथ की ध्वजा जड़ से काट दी। इसी समय महाबली दुशासन विकर्ण धुस्स विंशति इन चारों वीरों आकर धनंजय को चारों तरफ से घेर लिया। दुशासन ने एक वान से विराट नंदन उत्तर को मीता और दूसरे से अर्जुन की छाती में चोट पहुंचाई। अर्जुन ने भी तीखे धार वाले वान से दुशासन का स्वर्ण जटित धनुष काट दिया और उसकी छाती में 5 वान मारे। उन वानों से उसको बड़ी पीड़ा हुई और युद्ध छोड़कर भाग गया। इसके बाद विकर्ण अपने तीखे वान से अर्जुन को घायल करने लगा। तब अर्जुन ने उसके ललाट में एक वान मारा, उसके लगते ही घायल होकर वह रथ से गिर पड़ा। तदंतर दुस्साहस और विंशति दोनों एक साथ आकर अपने भाई का बदला लेने के लिए अर्जुन पर वानों की वर्षा करने लगे। अर्जुन तनिक विचलित नहीं हुआ, उसने 2 तीखे वान छोड़कर उन दोनों भाइयों को एक साथ बीन दिया और उनके घोड़ों को भी मार डाला। जब सेवक ने देखा कि दोनों के घोड़े मर गए हैं और शरीर घायल होकर लहूलुहान हो रहे हैं तो वे इन्हें दूसरे रथ में बिठाकर युद्धभूमि से हटा लिए और जिसका निशाना कभी खाली नहीं जाता था वो महाबली अर्जुन रणभूमि के चारों ओर घूमने लगे। धनंजय के ऐसे पराक्रम देखकर दुर्योधन कर्ण दुशासन विंशति द्रोणाचार्य अश्वत्थामा तथा महारथी कृपाचार्य आश्चर्य से भर गए और उसे मार डालने की इच्छा से अपने दृढ़ धनुषों की टंकार करते हुए पुनः आगे बढ़े। वहां आकर सब एक साथ अर्जुन पर वान बरसाने लगे। उनके दिव्यास्त्रों से सब ओर से आच्छन्न हो जाने के कारण उनके शरीर का 2 अंगुल भाग भी ऐसा शेष नहीं बचा जिस पर वान नहीं लगे। ऐसी अवस्था में अर्जुन ने तनिक हंसकर अपनी गांडीव धनुष पर इंद्र शस्त्र का संसाधन किया और वानों की झड़ी लाकर समस्त कौरवों को ढक दिया। वर्षा होते समय जैसे बिजली आकाश में चमक कर संपूर्ण दिशाओं और भूमंडल को प्रकाशित करती है, उसी प्रकार गांडीव धनुष से छूटे हुए बाणों द्वारा 10 दिशाएं आच्छन्न हो गई। रणभूमि में खड़े हुए हाथी सवार और रथी सब मूर्छित हो गए। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया, किसी को होश नहीं रहा, सारी सेना तितर बितर हो गई। सभी योद्धा जीवन से निराश होकर चारों ओर भागने लगे। यह देखकर शांतनु नंदन भीष्म जी स्वर्ण चटित धनुष तथा मर्म वेदी वान लेकर अर्जुन के ऊपर धावा किया। उन्हें अर्जुन की ध्वजा पर फुफकारते हुए सर्पों के समान 8 वान मारे। उससे ध्वजा पर स्थित जो भी चीजें थी थोड़ी सी उन्हें चोट पहुंची और उसके अग्रभाग में रहने वाले भूत भी घायल हुए। तब अर्जुन ने एक बहुत बड़े भाले से भीष्म जी का छत्र काट डाला, कटते वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। साथ ही उसने उनकी ध्वजा पर भी वानों से आघात किया और शीघ्रतापूर्वक उनके घोड़ों को
पार्श्व रक्षक तथा सारथी को भी घायल कर दिया। भीष्म पितामह इस बात को सहन नहीं कर सके, वे अर्जुन पर दिव्यास्त्रों का प्रयोग करने लगे। जवाब में अर्जुन ने भी दिव्यास्त्रों का प्रहार किया। उस समय उन दोनों वीरों को बलि और इंद्र के समान रोमांचकारी युद्ध होने लगा। कौरव प्रशंसा करते हुए कहने लगे कि भीष्म जी ने अर्जुन के पास युद्ध उठाना है वो बड़ा ही दुष्कर कार्य है। अर्जुन बलवान है, तरुण है, रणकुशल है और फुर्ती करने वाला है। भला युद्ध में भीष्म और द्रोण के सिवा दूसरा कौन इस वेग को सह सकता है? अर्जुन और भीष्म दोनों ही महापुरुष उस युद्ध में प्रजापत्य, इंद्र, आग्नेय, रौद्र, वारुण, कौबेर, याम्य और व्यावेय आदि दिवास्त्रों का प्रयोग करते हुए चल रहे थे। अर्जुन और भीष्म सभी अस्त्रों को ज्ञाता थे। पहले तो इनमें दिव्यास्त्रों का युद्ध हुआ, उसके बाद वानरों का संग्राम छिड़ा। अर्जुन ने भीष्म का स्वर्णमय धनुष काट दिया। तब महारथी भीष्म ने एक ही क्षण में दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी और क्रुद्ध होकर वे अर्जुन के ऊपर वानों की वर्षा करने लगे। उन्होंने अपने वानों से अर्जुन की बाई पसली तक बीन डाली। तब भी उसने भी हंसकर तीखी धार वाला एक वान मारा और भीष्म का धनुष काट दिया। उसके बाद 10 वान से उनकी उसने हालत खराब कर दी। तब भीष्म जी को बड़ी पीड़ा हुई और वे रथ का कुबर थाम कर देर तक बैठे रह गए। भीष्म जी को अचेत जानकर सारथी अपने कर्तव्य का स्मरण किए और उनकी रक्षा के लिए युद्धभूमि से बाहर ले गए। तो ये अर्जुन का विषय था और यही बात हमेशा जो द्रोण थे या भीष्म पितामह थे हमेशा कर्ण को कहते रहे कि हम सब मिलकर भी अर्जुन को परास्त नहीं कर पाए। तो वो यही युद्ध था, विराट का युद्ध था। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।